इस वीडियो में हम हर्डिटर ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, ग्लेन मैक्सवेल, हार्दिक पांड्या और आंद्रे रसेल के बीच ओडीआई, टी20आई एंड आईपीएल करियर कंपेयर करेंगे। इससे पहले बात करते हैं उनके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। बेन स्टोक्स का जन्म 1991 में हुआ था, ग्लेन मैक्सवेल का जन्म 1988 में हुआ था, हार्दिक पांड्या का जन्म 1993 में हुआ था और आंद्रे रसेल का जन्म 1988 में हुआ था। बेन स्टोक्स की करंट एज 30, ग्लेन मैक्सवेल की करंट एज 32, हार्दिक पांड्या की करंट एज 27 और आंद्रे रसेल की करंट एज 33। बेन स्टोक्स की हाइट 6 फीट और वेट 80 kg, ग्लेन मैक्सवेल की हाइट 5 फीट 11 इंच और वेट 73 kg, हार्दिक पांड्या की हाइट 6 फीट और वेट 68 kg और आंद्रे रसेल की हाइट 6 फीट 1 इंच और वेट 80 kg। बेन स्टोक्स इंग्लैंड और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया और आरसीबी के लिए खेलते हैं, हार्दिक पांड्या इंडिया और मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और आंद्रे रसेल वेस्ट इंडीज और केकेआर के लिए खेलते हैं। बेन स्टोक्स लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, ग्लेन मैक्सवेल राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म स्पिनर है, हार्दिक पांड्या राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और आंद्रे रसेल राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म फास्ट बॉलर है। बेन स्टोक्स ने नंबर 4 और नंबर 5 पर बैटिंग करते हैं, ग्लेन मैक्सवेल ने नंबर 4 और नंबर 5 पर बैटिंग करते हैं, हार्दिक पांड्या ने नंबर 5 और नंबर 6 पर बैटिंग करते हैं और आंद्रे रसेल ने नंबर 6 और नंबर 7 पर बैटिंग करते हैं। अब बात करते हैं उनके वनडे रिकॉर्ड्स के बारे में। बेन स्टोक्स ने 2011 में ओडीआई डेब्यू किया, ग्लेन मैक्सवेल भी 2011 में ओडीआई डेब्यू किया, हार्दिक पांड्या ने 2016 में ओडीआई डेब्यू किया और आंद्रे रसेल ने 2012 में ओडीआई डेब्यू किया। बेन स्टोक्स ने 101 मैच, ग्लेन मैक्सवेल ने 116 मैच, हार्दिक पांड्या ने 63 मैच और आंद्रे रसेल ने 56 मैच खेली है। बेन स्टोक्स ने 86 पारी खेलकर 2871 रन बनाए हैं, ग्लेन मैक्सवेल ने 106 पारी खेलकर 3230 रन बनाए हैं, हार्दिक पांड्या ने 46 पारी खेलकर 1286 रन बनाए हैं और आंद्रे रसेल ने 47 पारी खेलकर 1034 रन बनाए हैं। बेन स्टोक्स की बैटिंग औसत 40.50, ग्लेन मैक्सवेल की बैटिंग औसत 34.35, हार्दिक पांड्या की बैटिंग औसत 33 और आंद्रे रसेल की बैटिंग औसत 27.20। बेन स्टोक्स की स्ट्राइक रेट 95.35, ग्लेन मैक्सवेल की स्ट्राइक रेट 125.45, हार्दिक पांड्या की स्ट्राइक रेट 116.90 और आंद्रे रसेल की स्ट्राइक रेट 130.25। बेन स्टोक्स की बेहतरीन स्कोर 102, ग्लेन मैक्सवेल की बेहतरीन स्कोर 108, हार्दिक पांड्या की बेहतरीन स्कोर 92 और आंद्रे रसेल की भी बेहतरीन स्कोर 92। बेन स्टोक्स ने 3 सेंचुरी और 21 हाफ सेंचुरी बनाई है, ग्लेन मैक्सवेल ने 2 सेंचुरी और 22 हाफ सेंचुरी बनाई है, हार्दिक पांड्या ने 7 हाफ सेंचुरी बनाई है और आंद्रे रसेल ने 4 हाफ सेंचुरी बनाई है। बेन स्टोक्स ने 85 पारी खेलकर 74 विकेट हासिल की, ग्लेन मैक्सवेल ने 91 पारी खेलकर 51 विकेट हासिल की, हार्दिक पांड्या ने 58 पारी खेलकर 57 विकेट हासिल की और आंद्रे रसेल ने 55 पारी खेलकर 70 विकेट हासिल की। बेन स्टोक्स की बॉलिंग इकोनॉमी 6.03, ग्लेन मैक्सवेल की बॉलिंग इकोनॉमी 5.65, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग इकोनॉमी 5.60 और आंद्रे रसेल की बॉलिंग इकोनॉमी 5.85। बेन स्टोक्स की बॉलिंग औसत 41.55, ग्लेन मैक्सवेल की बॉलिंग औसत 52.60, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग औसत 41.45 और आंद्रे रसेल की बॉलिंग औसत 31.85। बेन स्टोक्स ने एक बार 5 विकेट हासिल की और बेस्ट बॉलिंग फिगर 61 रन दिखकर 5 विकेट, ग्लेन मैक्सवेल की बेस्ट बॉलिंग फिगर 46 रन दिखकर 4 विकेट, हार्दिक पांड्या की बेस्ट बॉलिंग फिगर 31 रन दिखकर 3 विकेट और आंद्रे रसेल की बेस्ट बॉलिंग फिगर 35 रन दिखकर 4 विकेट। बेन स्टोक्स की करंट आईसीसी रैंक नंबर 6, ग्लेन मैक्सवेल की करंट आईसीसी रैंक 21, हार्दिक पांड्या की करंट आईसीसी रैंक 14 और आंद्रे रसेल की करंट आईसीसी रैंक 50+। अब बात करते हैं उनके टी20आई रिकॉर्ड्स के बारे में। बेन स्टोक्स ने 2011 में टी20आई डेब्यू किया, ग्लेन मैक्सवेल भी 2011 में टी20आई डेब्यू किया, हार्दिक पांड्या ने 2016 में टी20आई डेब्यू किया और आंद्रे रसेल ने 2012 में टी20आई डेब्यू किया। टी20 क्रिकेट में बेन स्टोक्स ने 34 मैच, ग्लेन मैक्सवेल ने 72 मैच, हार्दिक पांड्या ने 49 मैच और आंद्रे रसेल ने 62 मैच खेली है। बेन स्टोक्स ने 28 पारी खेलकर 442 रन बनाए हैं, ग्लेन मैक्सवेल ने 65 पारी खेलकर 1780 रन बनाए हैं
हार्दिक पांड्या ने 33 परी खेल कर 484 रन बनाए हैं और आंद्रे रसल ने 52 परी खेल कर 716 रन बनाए हैं। बेन स्टोक्स की बैटिंग औसत 20.10, ग्लेन मैक्सवेल की बैटिंग औसत 31.80, हार्दिक पांड्या की बैटिंग औसत 19.35 और आंद्रे रसल की बैटिंग औसत 21.05। बेन स्टोक्स की स्ट्राइक रेट 136.85, ग्लेन मैक्सवेल की स्ट्राइक रेट 158.95, हार्दिक पांड्या की स्ट्राइक रेट 145.35 और आंद्रे रसल की स्ट्राइक रेट 156.35। बेन स्टोक्स की बेहतरीन स्कोर 47, ग्लेन मैक्सवेल की बेहतरीन स्कोर 145, हार्दिक पांड्या की बेहतरीन स्कोर 42 और आंद्रे रसल की बेहतरीन स्कोर 51। ग्लेन मैक्सवेल ने 3 सेंचुरी और 9 हाफ सेंचुरी बनाई है और आंद्रे रसल ने 1 हाफ सेंचुरी बनाई है। बेन स्टोक्स ने 28 परी खेलकर 19 विकेट हासिल की, ग्लेन मैक्सवेल ने 47 परी खेलकर 31 विकेट हासिल की, हार्दिक पांड्या ने 45 परी खेलकर 42 विकेट हासिल की और आंद्रे रसल ने 52 परी खेलकर 34 विकेट हासिल की। बेन स्टोक्स की बॉलिंग इकोनॉमी 8.80, ग्लेन मैक्सवेल की बॉलिंग इकोनॉमी 7.50, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग इकोनॉमी 8.20 और आंद्रे रसल की बॉलिंग इकोनॉमी 9.20। बेन स्टोक्स की बॉलिंग औसत 37.75, ग्लेन मैक्सवेल की बॉलिंग औसत 26.20, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग औसत 26.50 और आंद्रे रसल की बॉलिंग औसत 34.50। बेन स्टोक्स की बेस्ट बॉलिंग फिगर 26 रन दिखकर 3 विकेट, ग्लेन मैक्सवेल की बेस्ट बॉलिंग फिगर 10 रन दिखकर 3 विकेट, हार्दिक पांड्या की बेस्ट बॉलिंग फिगर 38 रन दिखकर 4 विकेट और आंद्रे रसल की बेस्ट बॉलिंग फिगर 43 रन दिखकर 3 विकेट। बेन स्टोक्स की करंट आईसीसी रैंक 26, ग्लेन मैक्सवेल की करंट आईसीसी रैंक नंबर 7, हार्दिक पांड्या की करंट आईसीसी रैंक 21 और आंद्रे रसल की करंट आईसीसी रैंक 27। अब बात करते हैं उनके आईपीएल रिकॉर्ड्स के बारे में। बेन स्टोक्स ने 2017 में आईपीएल डेब्यू किया, ग्लेन मैक्सवेल ने 2012 में आईपीएल डेब्यू किया, हार्दिक पांड्या ने 2015 में आईपीएल डेब्यू किया और आंद्रे रसल ने 2012 में आईपीएल डेब्यू किया। आईपीएल में बेन स्टोक्स ने 43 मैच, ग्लेन मैक्सवेल ने 89 मैच, हार्दिक पांड्या ने 87 मैच और आंद्रे रसल ने 81 मैच खेली है। बेन स्टोक्स ने 42 परी खेलकर 920 रन बनाए हैं, ग्लेन मैक्सवेल ने 85 परी खेलकर 1728 रन बनाए हैं, हार्दिक पांड्या ने 80 परी खेलकर 1401 रन बनाए हैं और आंद्रे रसल ने 68 परी खेलकर 1680 रन बनाए हैं। बेन स्टोक्स की बैटिंग औसत 25.50, ग्लेन मैक्सवेल की बैटिंग औसत 23.35, हार्दिक पांड्या की बैटिंग औसत 27.50 और आंद्रे रसल की बैटिंग औसत 29.50। बेन स्टोक्स की स्ट्राइक रेट 134.50, ग्लेन मैक्सवेल की स्ट्राइक रेट 153.35, हार्दिक पांड्या की स्ट्राइक रेट 157.25 और आंद्रे रसल की स्ट्राइक रेट 179.30। बेन स्टोक्स की बेहतरीन स्कोर 107, ग्लेन मैक्सवेल की बेहतरीन स्कोर 95, हार्दिक पांड्या की बेहतरीन स्कोर 91 और आंद्रे रसल की बेहतरीन स्कोर 88। बेन स्टोक्स ने 2 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी बनाई है, ग्लेन मैक्सवेल ने 8 हाफ सेंचुरी बनाई है, हार्दिक पांड्या ने 4 हाफ सेंचुरी बनाई है और आंद्रे रसल ने 9 हाफ सेंचुरी बनाई है। बेन स्टोक्स ने 37 परी खेलकर 28 विकेट हासिल की, ग्लेन मैक्सवेल ने 51 परी खेलकर 19 विकेट हासिल की, हार्दिक पांड्या ने 60 परी खेलकर 42 विकेट हासिल की और आंद्रे रसल ने 73 परी खेलकर 68 विकेट हासिल की। बेन स्टोक्स की बॉलिंग इकोनॉमी 8.55, ग्लेन मैक्सवेल की बॉलिंग इकोनॉमी 8.65, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग इकोनॉमी 9.10 और आंद्रे रसल की भी बॉलिंग इकोनॉमी 9.10। बेन स्टोक्स की बॉलिंग औसत 34.80, ग्लेन मैक्सवेल की बॉलिंग औसत 42.30, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग औसत 31.25 और आंद्रे रसल की बॉलिंग औसत 26.90। बेन स्टोक्स की बेस्ट बॉलिंग फिगर 15 रन दिखकर 3 विकेट, ग्लेन मैक्सवेल की भी बेस्ट बॉलिंग फिगर 15 रन दिखकर 3 विकेट, हार्दिक पांड्या की बेस्ट बॉलिंग फिगर 20 रन दिखकर 4 विकेट और आंद्रे रसल ने एक बार 5 विकेट हासिल की और बेस्ट बॉलिंग फिगर 15 रन दिखकर 5 विकेट। वीगो आईपीएल 2021 में बेन स्टोक्स की आईपीएल सैलरी 12.5 करोड़, ग्लेन मैक्सवेल की आईपीएल सैलरी 14.25 करोड़, हार्दिक पांड्या की आईपीएल सैलरी 11 करोड़ और आंद्रे रसल की आईपीएल सैलरी 8.5 करोड़। तो गाइस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स आपको क्या लगता है ओवरऑल बेस्ट ऑलराउंडर कौन है कमेंट में बताइए और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो एक लाइक करें।
और चैनल में नहीं होता सब्सक्राइब करें।